हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10 बजे के साथ हो रही है। और आज ना बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज होने वाली है हमारे घर में पूजा। तो ना मेरी मम्मी लोग चले गए हैं स्नान करने के लिए ढूंढप्रयाग में। वैसे तो हम मोस्टली देवप्रयाग में जाते हैं, बट कभी कभी ढूंढप्रयाग में भी जाते हैं। तो आज ढूंढप्रयाग में ही जा रखे हैं इस बार। और नॉर्मल से 2 दिन की पूजा होगी, थोड़ा सा घड़ोला वगैरह है हमारा। तो घर में आने वाले हैं बहुत सारे मेहमान, कुछ भी तैयारियां नहीं की है और कार्यभार है मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने भी वैसे आज स्नान करने के लिए जाना था ढूंढप्रयाग, बट मेरा स्वास्थ्य ना ख़राब है, मेरे को जुकाम वगैरह हो गया। फिर मैंने कहा ठंडे पानी से नहाऊंगी वहाँ, तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं गई। मेरे पे है घर का कार्यभार, मैं घर का काम करूँगी। तो ये है मेरा घर, जिसकी मुझे आज पूरी सफाई करनी है। बिल्कुल भी सफाई नहीं की गई अभी, इस कमरे की करनी है, उधर करनी है, उधर करनी है, तो वो तो मैं अभी धीरे धीरे करती रहूँगी। हमारे ना कोई भी सोरे भारे घर में नहीं रहते, केवल एक माँ हम ही हैं जो घर में रहते हैं। तो जो जितने भी मतलब रिश्तेदार होंगे वो हमारे घर में ही आएंगे और हमारे घर में ही घड़ोला रखा जाएगा। तो वो तो सारे लोग उधर ही पहुँचेंगे, जैसे कोई देहरादून चंडीगढ़ रहता है तो सीधे ढूंढप्रयाग में ही पहुँचेंगे, फिर स्नान करके यहाँ आएंगे। तो अभी मुझे घर का काम करना है, गोबर वगैरह आज मम्मी ने कुछ नहीं निकाला क्योंकि टाइम हो गया था ना ज़्यादा जाने के लिए। तो अभी मैं सफाई करती हूँ सबसे पहले। यहाँ देखिए हमारा कमरा कितना तिथर बिथर हो रखा है, ऐसे ही अभी बिस्तर वगैरह कुछ भी नहीं उठाया। तो मैं फटाफट से ना यहाँ पूरी सफाई करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको अपना घर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने कमरे की पूरी सफाई कर दी है। कैसा लग रहा है हमारा कमरा कमेंट करके बताना। अभी तो केवल एक ही कमरे की सफाई हो रखी है, अभी 3-4 कमरे और रह रखे हैं हमारी सफाई करने के लिए, और ज़्यादा कमरे होने भी बेकार ही हैं। एक कमरे के झाड़ू मारो बस हो गया काम ख़त्म। बट चलो कोई बात नहीं, ये कमरा मेन था, यहाँ ही सभी लोग बैठते हैं, तो ये तो हो चुका है साहब। अभी बाहर की सफाई करती हूँ, अन्य कमरों की सफाई करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों सफाई करते करते ना 10 से बज चुके हैं सीधे 12:30, और मैंने लगभग लगभग सारे कमरों की सफाई कर दी है। और जिस वाले कमरे में आज हमारे घड़ोले होने ना, उस वाले कमरे को भी मैंने साफ़ कर दिया है। ये रहा हमारा वो वाला रूम जहाँ हम घड़ोले रखेंगे। तो यहाँ पर हमने बेड लगाया हुआ था और लगाई हुई थी एक मेज, तो वो मैंने बाहर निकाल दिया है, बाकी सामान उधर ही को रहेगा। इस वाले रूम को हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ केवल वैसे ही स्टोर वाला सामान रहता है। बट आज घरेलू होना है तो मैंने इसको खाली कर दिया है, और यहाँ का जो बेड और मतलब जो यहाँ की चारपाई और मेज था वो मैंने बाहर निकाल दिया है। अभी मैं यहाँ पर ना चटाई वगैरह बिछा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आधा दरियाँ बिछा दी हैं, बाकी मम्मी अपने हिसाब से देख लेगी, जितना मुझे आया समझ मैंने कर दिया है। ये वाला जो चारपाई थी हमारी यहाँ पे लगा दी है मैंने, और मेज़ ना यहाँ पे लगा दिया है। बाकी जो ऊपर जितना भी कमरे थे ना हमारे, मैंने ये पूरे साफ़ कर लिए हैं। चौक वगैरह मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि मेरे को हो रहा जुकाम और धूल उड़ रही है, तो नाक के अंदर जा रही है पूरी। तो अभी इतना बहुत है, बाकी अभी क्या बताऊँ, उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैं कॉल करके पूछती हूँ मम्मी को कि वो खा के आ रहे हैं कि खाना बनाना है, तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों इसी के साथ काम करते करते दिन के 2:30 बज चुके हैं, और मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है, सफाई वगैरह हो गई है। पापा जी को मैंने नाश्ता दे दिया है, बर्तन वगैरह थे वो भी धुल लिए हैं, गोबर निकाल लिया है। और ना इस व्लॉग में आज मैं आपको अपना केकई वाला पार्ट दिखाऊंगी। मैंने सोचा था प्रॉपर ठीक से वीडियो बनाऊंगी, बट इतना ठीक से नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने किसी को दे रखा था फ़ोन वीडियो बनाने के लिए, सही से नहीं बनाई वीडियो। पर जितनी भी बनी है आप लोग देखिएगा, बताना कमेंट करके कि मेरा केकई का अभिनय आपको कैसे लगा। और बस इस ब्लॉग को मैं फिर यहीं पे समाप्त कर दूंगी, और कल अभी नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी इसके बाद, जब मेहमान घर पर आएंगे उनके लिए खाना पीना बनाऊँगी, उस सबका अलग से ब्लॉग बनाऊँगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त नहीं कर रही हूँ, पहले आप केकई वाली रामला देखिए और फिर समाप्त हो जाएगा। तब तक तुम्हारे
मुझको घायल करने वाली तेरी बातें है निराली, मुझको घायल करने वाली। कैसी सूरत बनाई, कैसी सूरत बनाई तेरी बातें है निराली, मुझको घायल करने वाली। तेरी बातें है निराली, घायल करने वाली। कैसी सूरत बनाई मोरत, कैसी सूरत बनाई मोरत के नाम। आओ आओ प्यारी जान, कैसा मेरा मान। आओ आओ प्यारी जान, कैसा मेरा मान। चाहे करती हो नाज़, जे मेरा चाहे करती हो नाज़, मुझे हैरान। तेरी बातें है निराली, मुझको घायल करने वाले। तेरी बातें है निराली, मुझको घायल करने वाले। कैसी सूरत बनाई मूरख के नारा, कैसी सूरत। तेरा ये हाथ हुआ जाता होने का, तेरा ये हाथ हुआ जाता होने का। करो कुछ तो खाया, करो कुछ तो खाया हरे सुन। तेरी बातें है निराली, मुझको घायल करने वाली। तेरी बातें है निराली, मुझको घायल करने वाली। है दांत
प्रिय व्याकुल होना तुम्हें स्वामी जी तुम्हें पता है आपने मुझे दो बार मांगने को कहा था। हाँ हाँ याद है। कुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे वचन देना होगा। हाँ हाँ प्रिय सूर्य वंशों का वचन हमेशा आत्मा के साथ होता है। मैंने पहले भी कहा था रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रिय बोलो तो कुछ तो बोलो क्या वरदान चाहिए तुम्हें। राम की सौगंध खानी पड़ेगी। हाँ हाँ प्रिय इस संकोच होकर कहो। मैं या करूं मैं